दोस्तों कुछ समय पहले चीन ने अपने हुटान एयरबेस को अपग्रेड करते हुए दूसरा एयर स्ट्रिप बनाकर तैयार कर दिया था, जिससे अब यह एयरबेस भारत के काफी नजदीक चीन को न्यूक्लियर बॉम्बर और एडवांस फाइटर विमान ऑपरेट करने की क्षमता देगा, जिसकी वजह से भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट गया है। और भारत ने चीन को अब ऐसा जवाब दिया है जो लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स को सबसे शक्तिशाली बना देगा, क्योंकि हमारे लड़ाकू विमान और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब 13,000 फीट की ऊंचाई पर भी लैंड कर सकेंगे। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत द्वारा लद्दाख में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाने वाले न्योमा एयरफील्ड बहुत जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसको बनाने के लिए 2023 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की तरफ से मंजूरी दे दी गई थी और शुरुआती योजना के अनुसार न्योमा एयरफील्ड को 20 महीने के अंदर बनकर तैयार होना है, जिसके तहत काम तेजी से जारी है और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत रैपिड पेस पे किया जा रहा है। इस एयरफील्ड का लोकेशन काफी रणनीतिक है। बता दें न्योमा एयरफील्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जबकि फिलहाल यहां पर सिर्फ मिट्टी का रनवे ही मौजूद है, जिसकी वजह से खास उपकरणों के साथ C-130 जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहां पर लैंड कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन एक बार हमने इसे अपग्रेड करते हुए फुल फ्लैज एयरबेस में इसे बदल दिया, तब हमारे कोई भी एयरक्राफ्ट यहां से ऑपरेट हो सकेंगे, जो भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज है। न्योमा एयरफील्ड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2.7 किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे तैयार किया जाएगा, जिस पर भारी से भारी ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकेंगे। साथ ही इस एयरपोर्ट को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और बाद में एयर डिफेंस सिस्टम भी यहां पर लगाए जा सकते हैं, ताकि इसकी सुरक्षा को हमेशा सुनिश्चित रखा जा सके, जिससे लद्दाख के पूरे क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और हम हाल ही में चीन द्वारा बनाए गए हुटान एयरबेस के एडवांटेज को काउंटर कर सकेंगे। बता दें कि 2020 में चीन के साथ तनाव के बाद ही भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर ध्यान दिया, जिसके बाद पिछले साल यानी 2023 में डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से 2900 करोड़ की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत हम देश के 11 राज्य और यूनियन टेरिटरी में 90 अलग अलग मिलिट्री प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले हैं। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे, जिनसे देश की मिलिट्री को काफी मजबूती मिलेगी। 90 में से 26 प्रोजेक्ट लद्दाख में मौजूद है और इन्हीं में से एक होगा न्योमा एयरफील्ड, जिसे 200 करोड़ की लागत से डेवलप किया जाएगा और ये देश के लिए कुछ काफी महत्वपूर्ण एसेट में से एक होगा, क्योंकि लद्दाख में फिलहाल भारत के पास सिर्फ दो ही बड़े एयरबेस मौजूद है और इसके पूरा होने के बाद इनकी संख्या 3 तक पहुंच जाएगी। बता दें कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला न्योमा एयरफील्ड दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा, जहां से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी ऑपरेट किए जा सकेंगे, जिससे लद्दाख में भारत को एयर सुपियोरिटी मिलेगी और हम किसी भी हालत में चीन के हवाई खतरे का सामना करने में सक्षम बन सकेंगे। इन सभी डेवलपमेंट की टाइमिंग भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत द्वारा डेवलप किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर हमारे साथ जानबूझकर विवाद को बढ़ावा दे रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 अलग अलग लोकेशन के नाम बदल दिए और ये विवाद चल ही रहा था कि रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि चीन अपने हुटान एयरबेस को मजबूत कर रहा है, जिसके बाद अब भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और आगे भी हम ऐसी ही अपनी सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये अपडेट भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर को लेकर है, जिसके तहत भारत 114 फाइटर विमान खरीदने वाला है। इस टेंडर में राफेल, यूरोफाइटर और ग्रिफन 3 फाइनल कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, जिनके बीच में ही भारत किसी एक एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट कर सकता है। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एयरबस MRFA को जीतने की अपनी संभावना बढ़ाने के लिए यूरोफाइटर के ब्लॉक 5 वर्जन के साथ भारत के सामने नया ऑफर लेकर आ सकती है। बता दें कि यूरोफाइटर का ब्लॉक 5 वर्जन पिछले वर्जन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा। इसमें इंजन परफॉर्मेंस और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ही कई नए एडवांस सिस्टम मौजूद होंगे। सबसे पहले तो इसमें एक ई स्कैन आइसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे काफी सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफर करेगा। इतना ही नहीं बल्कि इसमें एडवांस ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी लगाया जाएगा, जो ऑप्टिकल पायलट परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने वाला है। साथ ही कई ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो यूरोफाइटर को दूसरे एयरक्राफ्ट के डिजिटल सिस्टम से मजबूत बनाएगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो $20 बिलियन के इस बड़े टेंडर को जीतने के लिए हर देश अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या एयरबस की तरफ से यूरोफाइटर ब्लॉक 5 का ऑफर भारत के लिए राफेल को रिजेक्ट करने लायक अच्छा होगा या फिर नहीं? अपनी राय
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।